radio. Okay, सबसे पहले तो दिया जी, good morning and very very happy. Happy Dussehra, good morning. And हम सभी यहाँ पे इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट के मौके पर present हैं. कुछ Bollywood changing के topic पर आप बात करने वाले हैं. आज बहुत interesting विषय है, the changing dynamics of the Mumbai film industry. आई थिंक ऐसे विषयों पर चर्चा करने से ना सिर्फ अच्छी बातें उभर के आती हैं, बट आई थिंक जो सोच में बदलाव आ रहा है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है. पिछले 6-7 सालों में बहुत बहुत चेंजेस आई हैं और आ सकती हैं. आई थिंक टू डिस्कस व्हाट दोज चेंजेस हैव बीन विल ओनली लीड टू मोर पॉजिटिव चेंजेस. इस तरह के प्रोजेक्ट में पार्ट लेके कंप्यूटर स्पिन करते हैं या लोग जो ढेर सारे स्टूडेंट आए हैं, स्टूडेंट्स को किस तरह के टिप्स? आई थिंक इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट फॉर फिल्म एंथुजियास्ट्स बट फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी हु बिलीव्स इन कंटेंट क्रिएशन एंड द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन. आज के दौर में कर्टसी द इंटरनेट और कनेक्टिविटी मोबाइल फोन्स पे सबके हाथ में दैट पावर ऑफ कनेक्शन पहुंच चुका है, तो आप कैसे उसका उपयोग करेंगे, उसके साथ क्या कुछ कर सकते हैं, कितना बदलाव लेकर आ सकते हैं, ये सब बातें हम डिस्कस करते हैं. ये 7वां साल है इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट का और मैं बहुत खुश हूँ कि बतौर अभिनेत्री ही नहीं, आई एम हियर एज अ फिल्म प्रोड्यूसर एंड एज एन इंडिविजुअल हु रिप्रेजेंट्स माई इंडस्ट्री. And I'm really proud to be sharing the platform with a wonderful filmmaker like Shashank Khaitan and my beautiful colleague Neha Dhupia. Kuch tips dene wali hai student ko jinhe acting mein jana hai, jinhe direction mein aana hai, ya I think aaj hamari koshish yahi rahegi ki hum apne life experiences शेयर करें और उसमें से अगर उन्हें कुछ सीख मिल जाती है तो ग्रेट, बट आई थिंक द एफर्ट विल बी रियली टू कीप इट अ फ्री व्हीलिंग कॉन्वर्जेशन वेयर दे गेट टू जस्ट गेट इनसाइट इनटू व्हाई वी मेक द चॉइसेस दैट वी डू, हाउ वी आर ब्रेकिंग द मोल्ड. क्योंकि अगर आप शशांक की बात कहें या नेहा की या मेरी, आई थिंक एज इंडिविजुअल्स व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू इज़ ब्रेक द मोल्ड, डू थिंग्स दैट रिफ्लेक्ट our choices, our individual choices. जैसे कि मैंने 26 साल की उम्र में फिल्म प्रोडक्शन शुरू कर दिया था, इट वॉज़ अनहर्ड ऑफ एट दैट यंग एज फॉर एक्ट्रेसेस टू टर्न टू प्रोडक्शन. नेहा इज नाउ डूइंग हर अमेजिंग वर्क थ्रू हर यू नो टॉक शो विच इज़ फॉर एयरवेव्स. सो इट्स अ टोटली न्यू आइडेंटिटी, अ न्यू एस्पेक्ट अबाउट हर दैट शी इज़ ब्रिंगिंग फॉरवर्ड टू द ऑडियंसेज. शशांक ऑफ कोर्स इज मेड एन अमेजिंग फिल्म इन हम्पी शर्मा की दुल्हनिया, बट एंड ही चोज अ सब्जेक्ट दैट वॉज एंटरटेनिंग, दैट वॉज मेन स्ट्रीम, बट हैड सच वंडरफुल मैसेजेस टू कन्वे. सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री पीपल हु आर हु हैव चॉइसिस, who like to make them and will be expressing them. एक आखिरी सवाल कि आपके अनुसार, अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा बॉलीवुड भी बहुत ही फास्ट हो रहा है, हम जनरेशन बहुत ही फास्ट, क्योंकि क्या चेंजेस होने चाहिए बॉलीवुड या हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आपके अनुसार, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट हैं, अगर आपके अनुसार? आई थिंक सबसे बड़े चेंज की ज़रूरत ये है कि हम ये समझ लें कि लोग जो ऑडियंसेस हैं वो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा की तरफ अपना आकर्षित हो रहे हैं. दे मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग थिंग्स दैट हैव अ मैसेज, हैव समथिंग मीनिंगफुल टू कन्वे, एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू जस्ट पुट प्रोजेक्ट्स टुगेदर एंड मेक फिल्म्स दैट डोंट हैव समथिंग स्पेशल टू से. थैंक यू.